एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नवरात्रि स्पेशल में आपके लिए एक हेल्दी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि एक ऐसा हलवा है जो बहुत कम घी में बहुत टेस्टी और हेल्दी है। हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट हैं एक केला, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, एक कटोरी मखाना, 4 टेबल स्पून दूध, 1/4 टेबल स्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप अपने घर में पीस के फ्रेश यूज़ करें, उसका फ्लेवर अलग ही आता है। 1 टेबल स्पून घी। अब हम अपनी गैस को ऑन करते हैं। सबसे पहले हम अपने नट्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे विदाउट एनी ऑयल। फ्रेंड्स, हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं, इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगती है, जब ये इससे पता लग जाता है रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे पैन में से। इसके बाद हम अपने मखाने को ड्राई रोस्ट करेंगे। इतने हमारे मखाने रोस्ट हो रहे हैं, इतने हम अपने बनाना को मैश कर लेंगे फोक की हेल्प से। दूध, केला, मखाना और ड्राई फ्रूट्स, ये सभी फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, मिनरल्स में रिच होते हैं। इन सबको कंबाइन करके खाने से ये एक हाई न्यूट्रिएंट फूड बन जाता है। हमारे मखाने रोस्ट हो गए, देखिए उंगली से इसी तरह से करने से टूट रहे हैं। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर देंगे। अब हम गैस को ऑन करके उसमें अपना घी डाल देंगे। के बाद इसमें मैश किया हुआ बनाना, हमें केले को भूनते हुए 5 मिनट हो गए। इसके बाद हम अपने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसको फिर मिक्स देंगे अच्छे से। इसके बाद इसमें हम अपना रोस्ट किया हुआ मखाना ऐड कर देंगे। साथ ही में मिल्क को भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये मुझको थोड़ा थिक लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा दूध और ऐड कर रही हूँ। 5 मिनट हो गए, अब इसमें मैं 2 चम्मच खांड ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे लगातार भूनते रहेंगे जब तक ये साइड्स नहीं छोड़ देगा। देखिए कि हमारा हलवा भून गया है, बिल्कुल इसने साइड्स छोड़ दी हैं, ये एकदम रेडी है इसमें। फ्रेंड्स, हमारे इस हेल्दी और टेस्टी हलवे में एक्स्ट्रा बिजनेस के लिए हम ऊपर से हल्का सा घी इस पर स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारा हेल्दी हलवा रेडी है। इसी तरह की हेल्दी रेसिपीज को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।